नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं पीके रियल फैक्ट्स। तो आज का हमारा पहला फैक्ट, चींटियां लाइन में क्यों चलती हैं। आपने अपने घरों के आसपास चींटियों को देखा ही होगा और आपने ये भी देखा होगा कि चींटियां हमेशा लाइन यानी कतार में ही चलती हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों। दरअसल चींटियों की सूंघने की शक्ति बहुत प्रबल होती है। जब चींटियां खाने की खोज में निकलती हैं तो सबसे आगे चलने वाली चींटी चलते समय फेरोमोन्स नामक रसायन छोड़ती हैं, जिससे उनके पीछे चलने वाली चींटियां उसी रसायन को सूंघकर आगे बढ़ती हैं और उनकी एक कतार या लाइन बन जाती है। यही कारण है कि हमें चींटियां हमेशा लाइन में ही चलती हुई दिखाई देती हैं। दोस्तों, फैक्ट नंबर टू, हमें खर्राटे क्यों आते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को सोते वक्त खर्राटे आते हैं। उनके खर्राटों से उनके आसपास सोने वाले व्यक्ति को काफ़ी परेशानी होती है। पर आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों। दरअसल खर्राटे आने के कारण सांस के रास्ते में अवरोध का होना है। जब हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और हमें सोते समय अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसी ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए हम सोते समय अधिक ऑक्सीजन लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ते में अवरोध होने के कारण हमें सांस लेने में परेशानी होती है, हमें खर्राटे आने लगते हैं और इस बीमारी को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी कहा जाता है। यह बीमारी मोटापा होने के कारण या हमारी नाक और मुंह में सूजन होने के कारण भी होती है। दोस्तों, फैक्ट नंबर तीन, हमें प्यास क्यों लगती है। आपने देखा होगा कि जब हम कोई मेहनत का कार्य करते हैं या फिर हमें बहुत अधिक गर्मी लग रही होती है तो हमें बहुत प्यास लगती है। पर आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों। दरअसल हमारे खून में नमक और पानी का अनुपात समान होता है। जब किसी कारण से हमारे शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है तो हमारे मस्तिष्क में उपस्थित थर्स्ट सेंटर गले को मैसेज भेजता है, जिससे गले में सिकुड़न पैदा हो जाती है। इस सिकुड़न से गला सूखने लगता है और हमें प्यास महसूस होने लगती है। और जब हम कभी अधिक नमक का भोजन कर लेते हैं तो हमारे शरीर में नमक की मात्रा अधिक हो जाती है। तो हमें नमक और पानी की मात्रा का संतुलन बनाने के लिए हमें प्यास लगती है। यही कारण है कि हमें प्यास का एहसास होता है। फैक्ट नंबर फोर, लोहे में जंग क्यों लग जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोहे की किसी वस्तु को अधिक समय तक रखा रहने देने पर उसके ऊपर एक परत जमने लग जाती है, जिसे जंग कहते हैं। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? तो जानते हैं ऐसा क्यों होता है। जब लोहे को किसी नमी वाले स्थान पर रखा जाता है तो लोहे के कण ऑक्सीजन और नमी के साथ मिलकर क्रिया करने लग जाते हैं और इस क्रिया को ऑक्सीकरण की क्रिया कहते हैं। लोहे के कण ऑक्सीजन के साथ मिलकर लोहे का ऑक्साइड बनाने लग जाते हैं और लोहे में जंग लगने लग जाती है। लोहे में जंग लगने के लिए नमी और ऑक्सीजन का होना बेहद ज़रूरी है। अगर ये उपस्थित नहीं होगी तो लोहे में जंग नहीं लगेगी। फैक्ट नंबर फाइव, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में फ्यूज क्यों लगाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग तो आजकल सभी घरों में होता ही है और आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये फ्यूज क्यों लगाया जाता है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में फ्यूज क्यों लगाया जाता है। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में लगे फ्यूज का कार्य अधिक विद्युत धारा हो जाने पर विद्युत परिपथ को काट देना है। असल में फ्यूज एक ऐसे तार का छोटा सा टुकड़ा होता है जो गर्म होने पर आसानी से पिघल जाता है। यह तार सीसा धातु के एक विशेष मिश्रण से बनाया जाता है। इस तार का पिघलांग बहुत कम होता है। इस तार को विशेष होल्डर में लगाया जाता है, जिसे फ्यूज होल्डर कहते हैं, या यह पोर्सलिन या एवोनाइट या किसी दूसरे विद्युत अवरोधी पदार्थ से बनाया जाता है। फ्यूज दो प्रकार के होते हैं, प्लग फ्यूज और कार्ट्रिज फ्यूज। प्लग फ्यूज का प्रयोग कम विद्युत के लिए किया जाता है। इसको लगाने के लिए विशेष प्रकार के सर्किट होते हैं। कार्ट्रिज फ्यूज कांच की छोटी छोटी नलियों से बनाए जाते हैं। इस कांच की नली के दोनों सिरों पर धातु की टोपी होती है, जिसके साथ फ्यूज का तार लगा दिया जाता है। किसी भी फ्यूज में बहने वाली विद्युत धारा की मात्रा निश्चित होती है। कम विद्युत धारा के लिए फ्यूज में पतले तार तथा ज़्यादा विद्युत धारा के लिए फ्यूज में मोटे तार का इस्तेमाल किया जाता है। जब किसी उपकरण में फ्यूज लगा होता है तो वह एक सीमित विद्युत धारा उपकरण तक पहुंचने देता है, जितनी उस उपकरण को जरूरत है। लेकिन कभी अगर विद्युत धारा बढ़ जाता है तो वह फ्यूज पिघल कर टूट जाता है और विद्युत धारा उस उपकरण तक नहीं पहुंच पाती है और उपकरण सुरक्षित रहता है। और यही कारण है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में फ्यूज लगाया जाता है। फैक्ट नंबर सिक्स, एयर कंडीशनर से पानी क्यों निकलता है। आपने एयर कंडीशनर को देखा ही होगा और आपने ये भी देखा होगा कि जब एयर कंडीशनर चलता है तो उसमें से पानी निकलता रहता है। पर आपने कभी सोचा ऐसा क्यों?
दरअसल एयर कंडीशनर से पानी निकलने की क्रिया को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम किसी ग्लास में ठंडा पानी भरकर रख देते हैं तो ग्लास के ऊपर पानी की बूंदें जम जाती हैं और कुछ समय के बाद यह बूंदें पानी के रूप में ग्लास के नीचे इकट्ठा हो जाती हैं। ऐसे ही जब एयर कंडीशनर चलता है तो उसमें उत्पन्न गैस उसमें लगे पाइपों से गुजरती है और उन पाइपों के ऊपर पानी की बूंदें जमा हो जाती हैं और यही बूंदें बाहर के गर्म वातावरण के संपर्क में आकर पानी का रूप ले लेती हैं और यही पानी एयर कंडीशनर से बाहर निकलता है। यही कारण है कि एयर कंडीशनर से पानी निकलता है। फैक्ट नंबर 7, हीरा क्यों चमकता है। हीरा जिसका नाम सुनते ही उसे देखने की इच्छा जागृत हो जाती है। हीरा कठोर होने के साथ साथ काफ़ी महंगा और सुंदर भी होता है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि हीरा इतना चमकदार क्यों होता है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों। दरअसल हीरे का अपवर्तनांक 2.47 होता है। हीरे को इसके काटकर बनाया जाता है कि जब कोई प्रकाश की किरणें इसमें प्रवेश करती हैं तो इसके क्रांतिक कोण कम होने के कारण इसमें प्रकाश का पूर्ण परिवर्तन होता है, जिससे हीरा ज़्यादा चमकदार दिखाई देता है। नंबर 1, पहाड़ों में बर्फबारी क्यों होती है। आपने अक्सर सर्दियों के मौसम में सुना होगा कि पहाड़ियों में बर्फबारी हो रही है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि बर्फबारी क्यों होती है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों। असल में तालाब नदियों आदि का जलवाष्प होकर आकाश में जाता है और संघनित होकर बारिश के रूप में ज़मीन पर गिरता है, लेकिन जब यह जलवाष्प आकाश में अधिक ऊंचाई पर पहुंच जाती है तो वहां का तापमान जो कि 0 डिग्री से कम होता है इस जलवाष्प में मौजूद पानी के कणों को बर्फ़ के छोटे छोटे कणों में जमा देता है। जब यह बर्फ के कण आपस में मिलते हैं तो इनका वजन बढ़ने लगता है और भारी होने के कारण यह ज़मीन पर गिरने लगते हैं। बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में इसलिए होती है क्योंकि वहाँ का तापमान मैदानी इलाकों की अपेक्षा ज़्यादा ठंडा होता है और यही कारण है कि बर्फबारी होती है वहाँ पर। नंबर 9, उगते और अस्त होते समय सूरज बड़ा क्यों दिखता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब सूर्य अस्त होता है या सूर्य उदय होता है तो उसका आकार हमें बड़ा दिखाई देता है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों। दरअसल सूर्य पृथ्वी पर प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है और उसका व्यास लगभग 13,90,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से लगभग 109 गुना अधिक है। सूर्य के प्रकाश को हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8.3 सेकंड का समय लगता है। दरअसल जब सूर्य उदय होता है और जब अस्त होता है तो उस वक्त उसकी किरणें हल्की होती और किरणों के हल्के होने के कारण सूर्य हमें पूरा दिखाई देता है, लेकिन वही जब सूर्य की रोशनी पूरी होती है तो वह हमें पूरा दिखाई नहीं देता और उस समय हमें केवल सूर्य का मध्य भाग ही दिखाई देता है और हमें उसका आकार छोटा दिखाई देता है। यही कारण है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य बड़ा दिखता है। अंतिम और 10वां फैक्ट, भारत का पासपोर्ट नीले रंग का ही क्यों होता है। पासपोर्ट का उपयोग विदेश में यात्रा करने के लिए किया जाता है। यह विदेश यात्रा के समय यात्री की पहचान तथा उसकी नागरिकता को बताता है। पासपोर्ट एक्ट 1967 के अनुसार पासपोर्ट एक कानूनी दस्तावेज है जिसे भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है और यह प्रमाणित भी करता है कि धारक जन्म से या नैतिकीकरण के द्वारा भारत का नागरिक है। पर क्या आपने सोचा है कि भारत का पासपोर्ट नीले रंग का ही क्यों होता है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं भारत का पासपोर्ट नीले रंग का ही क्यों होता है। दुनिया भर में पासपोर्ट में सिर्फ 4 ही रंगों को चुना गया है, लाल, नीला, हरा और काला। नीला रंग शांति का प्रतीक है। नीले रंग को CA4 संधि वाले देश ने चुना है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, 15 कैरेबियाई देशों और मार्कोसिर ट्रेड यूनियन का प्रतीक माना जाता है। इसलिए भारत, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में नीले रंग का पासपोर्ट इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही भारत में पासपोर्ट 3 रंग में जारी किया जाता है, लाल डिप्लोमेट्स के लिए, सफ़ेद सरकारी अधिकारियों के लिए और नीला बाकियों के लिए यानी रेगुलर पासपोर्ट। नीले पासपोर्ट में 2 कैटेगरी है, एक जिसके लिए प्रवासन जांच की आवश्यकता होती है और दूसरा जिसके लिए नहीं होती। तो आप समझ ही गए होंगे कि भारत का पासपोर्ट नीले रंग का ही क्यों होता है। दोस्तों आज के हमारी ये फैक्ट्स कैसे लिखे हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को बटन को भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।